गुड आफ्टरनून बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उस क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और सॉल्व करूंगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो क्या लिखा हुआ है, राइट एनी फाइव ऑड नंबर्स बिटवीन। आपको फाइव ऑड नंबर्स लिखने हैं, किसके बीच में, 3000 एंड 5000 के बीच में फाइव ऑड नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वंस प्लेस क्या हो, 1 3 5 7 9, जिनकी वंस प्लेस क्या हो, 1 3 5 7 9। नाउ 3000 क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो आप इजीली देखकर बता सकते हैं इसकी वंस प्लेस क्या है, 0। सो इट इज़ नॉट ऑड नंबर, इट इज़ इवन नंबर। क्या नंबर है ये, इवन नंबर। नाउ टू फाइंड ऑड नंबर्स व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 1 टू द 3000। मैं 3000 में क्या ऐड कर दूँ, 1। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 3001। अब 3001 आप देख सकते हैं कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, एस उसकी वंस प्लेस क्या है, 1। नाउ टू गेट नेक्स्ट ऑड नंबर व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड 2। व्हाई आई हैव एडेड 2, बिकॉज दिस इज 1 एंड नेक्स्ट 3 होनी चाहिए हमारी वंस प्लेस। सो 1 में मैं क्या ऐड करूँ कि 3 आ जाए, 1 में मैं 2 ऐड कर दूँ तो ईजिली आपका 3 आ जाएगा। तो 3003। नाउ टू गेट नेक्स्ट ऑड नंबर आई विल ऐड 2। 3005 नेक्स्ट ऑड नंबर, 3007। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मैनी ऑड नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं। बट आपको इस क्वेश्चन में ओनली 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं, तो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4। नेक्स्ट 7 में मैं क्या ऐड करूँ कि 9 आ जाए, 2 3009। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड मैनी ऑड नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के बीच में आप बहुत सारे ऑड नंबर्स निकाल सकते हैं। कब निकालें, ये ट्रिक कब अलाउ होगी, जब आपका ये नंबर क्या हो, इवन हो। कैसा हो, इवन। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाय बाय बच्चों।